चंडीगढ़ के बापूधाम में कोरोना की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार सुबह ही शहर में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें बापूधाम के 12 और सेक्टर 30 का एक मरीज शामिल है। अब शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है। वहीं केवल बापूधाम में 40 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। मरीजों में सेक्टर 30 निवासी 3.5 साल का बच्चा शामिल है। हालांकि बच्चे की मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले बुधवार को भी बापूधाम में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें 19 साल की युवती सहित 20 साल के एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई थी। बता दें, GMSH 32 के OT अटेंडेंट के पॉजिटिव होने के बाद से बापूधाम में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उस अटेंडेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार पर रखकर कुछ दिनों पहले अपने घर एक पार्टी की थी, जिसमें बापूधाम में अपने घर के आस पड़ोस के 130 लोगों को बुलाया था। नतीजतन उसके परिवार के साथ ही आसपास के मकान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहा है।